ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। हर जो आपके क्वेश्चंस, जो डाउट्स, जो कन्फ्यूजन्स आप कमेंट्स के रूप में मेरी अलग अलग वीडियोस में डालते हो, उन सबको, उनमें से जो कॉमन है, जो अच्छी हैं, जिनके एक के आंसर करने से कईयों के आंसर हो सकते हैं, तो ऐसे कमेंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और बाद में उनके ऊपर इस वीडियो के थ्रू मैं रिप्लाई करता हूँ। सो अगर आपके भी अच्छे वैल्यूएबल कमेंट्स हों कोई, तो आप इस शो में डाल सकते हैं एंड आई ट्राई कि मैं उनका नेक्स्ट शो में रिवर्ट करूँगा। सो आज के जो हमारे पास क्वेरीज हैं या जो क्वेश्चंस आए हैं, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो कमेंट लूँगा वो है इशप्रीत कौर का, और उससे पहले चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है कि मैंने वीडियोस, नई नई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूं। सो इशप्रीत कौर, आई हैव अ क्वेश्चन सर, 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट होंदी है जान नहीं ना लगाई जावे, एम्बेसी रीसेंट मार्कशीट मंगदी है, सो 80% प्लस टू कॉमर्स है। सो यहाँ पर मेन क्वेश्चन था कि क्या कई बच्चों के 10th बहुत वीक होता है, तो क्या उन्हें 10th की मार्कशीट साथ में लगानी ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो एक चीज़ इन्होंने इंटरनेट पे स्टडी करी और वो बहुत सही है कि एम्बेसी को आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं क्वालिफिकेशन के। तो मतलब अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन बहुत है, यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th का सर्टिफिकेट बहुत है। तो 10th का लगाना नहीं लगाना इतना मैटर नहीं करता। अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, अच्छा है, तो लगाओ। अगर बहुत ज़्यादा वीक है, कोई बड़ी कमियाँ हैं उसमें, तो अवॉइड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कुणाल अरोड़ा का, सर मेरी सिस्टर दी क्वालिफिकेशन एमए बीएड जेबीटी एमए इंग्लिश, शी डूइंग गवर्नमेंट जॉब एज अ वोकेशनल टीचर 5.5 साल तो, यूके पॉसिबल है। ये क्वेश्चन मैं इससे लिए सिलेक्ट किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो ओथ ओवरली क्वालिफाइड होंगे, खासकर लड़कियाँ होंदिया ने, जिदा इतने है बीए बीएड एमएड JBT MA इंग्लिश काफ़ी कुछ कर लिया, उस तो बाद 5 साल जॉब कर ली। ए प्रोफाइल्स अगर नॉर्मली कैनेडा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, बट इन दिस केस इन UK इवन इफ़ यू डन 1 मास्टर्स 2 मास्टर्स 3 मास्टर्स यू आर स्टिल एक्सेप्टेबल एंड यू कैन स्टिल हैव अ 100% सक्सेस रेट अगर तुहाडा प्रोफाइल एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी तुसी ब्रॉडवे की टीम नाल कंटैक्ट करके चैक कर सकते हो। नैक्सट इज कोमल बूटा, UK VIELTS पेपर बेस्ड होता है, एग्ज़ाम पेपर बेस्ड होता है या कंप्यूटर बेस्ड होता है? तो UK VIELTS का जो एग्ज़ाम है जी, वो पेपर बेस्ड होता है, और इसका बेनिफिट यही है कि इसमें अगर आपका कम स्कोर भी आ जाए, देन ऑल्सो आपको UK की यूनिवर्सिटीज़ प्री मास्टर के थ्रू या फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन्स भी देती हैं, वीज़ास भी आता है, और सक्सेस रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो बच्चा इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो डायरेक्ट बैचलर मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो रहा, तो वो UK VIELTS कर सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी भावना सैनी का, और सर माय फाइल हैव ऑलरेडी बीन लॉज्ड इन एम्बेसी 2-3 डेज बिफोर, नाउ माय यूनिवर्सिटी कम इन लेवल 2, बट अर्लियर इट वाज लेवल 1 विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी, सो व्हाट शुड आई डू? तो बच्चे देखो, ऑस्ट्रेलिया के रिसेंटली असेसमेंट लेवल सभी इंस्टीट्यूट्स के चेंज हो चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते हो। तो आपकी फाइल जिस टाइम लगी, जो उसका असेसमेंट लेवल था, वो प्रोसेस के दौरान उसी में ही गिना जाएगा, वो उसके ऊपर नया कुछ अप्लाई नहीं होगा। सो डोंट वरी, बेफिक्र रहें, और आपकी जो फाइल है वो उसी असेसमेंट लेवल के हिसाब से ही प्रोसेस होगी। सो आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। प्रोफाइल को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके कन्फ्यूजन्स हैं तो ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर लें। डायरेक्टली एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो broadwayvisa.com पे जाके आप अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें, तो आपको डायरेक्टली एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चित ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।